जरूर तो नत पड़े हो गए, ठीक है कि नहीं। बस एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, 10^-10 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, 10^-8 एंगस्ट्रॉम। तीसरा ऑप्शन है बच्चों, 10^-12 एंगस्ट्रॉम। चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, सॉरी इसमें कर देता हूँ 10 एंगस्ट्रॉम। चौथा ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, किसी और का कुछ और आया तो मतलब नन ऑफ द एबव उसके लिए हो जाए, ठीक। तो बच्चों आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, इस सवाल को करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप हमको अच्छी तरीके से पता है सारे लोगों का जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या जवाब है इस सवाल का, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना और आप देखना कि कैसे आप गलत करते हो, समझ गए कि नहीं, कैसे गलतियाँ होती हैं और टीचर्स को भी आता है नहीं आता पता नहीं, लेकिन पढ़ाते भी नहीं है। और सवाल और बुक में क्या लिखा होता है वो भी मैं बताऊंगा, आप लोग पढ़ के भी चले जाते हो यही सब चीज़ें, गलत करके चले जाओगे, समझ गए नहीं। अब मैं सिखाता हूँ उसको, देखो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है सारे लोगों का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है और यही सही भी है कि नहीं, क्योंकि सब जगह हमने यही पढ़ा है कि 1 एंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर होता है, यही तो बुकों में लिखा होता है, यही तो सर पढ़ाते हैं। बोलो भैया, हाँ ना बोल भाई, यही पढ़ते हो आप, है कि नहीं। तो ऑप्शन यहाँ तो मैच कर रहा है, यही ऑप्शन है, +4 नंबर आपको मिलना चाहिए, है कि नहीं। हाँ बोल भाई, ठीक सही भी है, ना लायक नहीं। तो जैसे बच्चों ये ऑप्शन लगाया हो सवाल गलत हो गया, समझ गए। अब क्या हुआ है, आप सोच रहे हो भैया गलत कैसे हो गया, ये तो सही है, अब दिखाता हूँ ना गलत कैसे हुआ। क्वेश्चन को कायदे से ध्यान दो, क्या लिखा गया, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, क्या लिखा गया, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक। पढ़ते क्या हो कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ठीक। पढ़ के ये गए हो, क्वेश्चन पलट दिया और जैसे पलटा आप भी पलट गए, क्वेश्चन ने घुमाया और आप भी घूम गए, और घूम गए तो भैया क्वेश्चन सही कहाँ कर सकते हो, सही है कि नहीं, सही है, ठीक। तो आप बताओ, आप बताओ गलत हो गया कि नहीं है। इतना आसान सा सवाल था, बहुत आसान है, इसमें कुछ और रॉकेट साइंस कोई लग रही है क्या, बिल्कुल नॉर्मल सी 9th की क्या फिजिक्स है कि नहीं, पर गलत हो गया है, ठीक। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या बोल रहे हैं, अभी समझाता हूँ कायदे से, ठीक। बच्चों आप लोग क्लास जो भी बुक वगैरह देखोगे, पढ़ाने वाले भी पढ़ाते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर होता है, ठीक। हमने सवाल पूछा कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होता है, तब भी आप सोच भैया यही पढ़ के गए थे ना, इतना तो ध्यान ही नहीं था कि घुमाएगा भी क्वेश्चन। तो भैया नीट जेईई सब सारे जो भी पेपर्स होते हैं सब तो भैया घुमाएंगे ही ना आपको, सीधा सीधा दे देंगे, फिर मजा कहाँ यार, है कि नहीं, ठीक। तो आप लोग सीधा सीधा पढ़ने की आदत होती है, घुमाए कभी रहते हो नहीं, टीचर को भी नहीं आता कि नहीं आता कि नहीं आता पता नहीं, वो कभी इस तरीके से पढ़ाते भी नहीं है। मैं घुमा घुमा के पढ़ाता हूँ, हमसे बच्चे बोल देते हैं भैया कहा इतना घुमा रहे हैं, उनको क्या पता यार कि घुमाया किस लिए जाता है, हम घुमाते किस लिए हैं, घुमाते ही इसीलिए हैं कि पेपर में जब क्वेश्चन आए ना तो पेपर के क्वेश्चन की इतनी औकात ना हो कि तुमको घुमा दे। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ बच्चों, समझ पाए कि नहीं, पेपर के क्वेश्चन की इतनी औकात ना हो कि आपको घुमा दे और आपको घुमा दिया मेरा पढ़ाना दिक्कत है, समझ गए कि नहीं। इसीलिए कि जब यहीं घूमे रहोगे ना तो वहाँ पे क्या कोई तुमको क्या घुमा पाएगा, कहते आप ही लोग बोलते हो ना, हाँ हमें सब चीज़ से गुजरे हुए हैं हमको क्या तुम बताओगे, बोलते हो नहीं। तो वही चीज़ है, जब ये चीज़ें फेस पहले से किए रहोगे अब तब वहाँ पे घुमाओ कितना घुमाओगे भाई, बोलोगे अच्छा हमको चला रहे हो, हम तो पहले चले हैं, ऐसे बोलते हो नहीं, हाँ ये सब शुद्ध हिंदी वाली भाषा है, ठीक। तो ये कहने का मतलब बच्चों, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये सवाल आपने जो आंसर लगाया उसके अकॉर्डिंग गलत हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है वो समझो, इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समझ गए कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, 10^10 मीटर और 10^10 एंगस्ट्रॉम, कैसे वो समझाता हूँ, ठीक। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं ये पूछा गया, ठीक है ना। बच्चों आप लोग पढ़ते हो 1 एंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर, ठीक। अब ये बताओ एंगस्ट्रॉम बड़ा मात्रक है छोटा, पहले बताओ किसका मात्रक है, दूरी का, सबको जान रहे। अब ये बताओ कि बड़ा मात्रक है छोटा मीटर से, कंपेयर करना किससे, मीटर से, मीटर से कंपेयर करोगे तो आप लोगों को पता है 1 मीटर लगभग इतना होता है, या समझ लो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10^-10, इससे तो छोटा है, मीटर से तो छोटा होगा, इतना छोटा होता भाई, इतना तो आपको क्लियरली जानना ही पड़ेगा, ठीक। नहीं जानोगे तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे सब चीज़ों को। तो जब इससे छोटा मात्रक है, ठीक है ना, इस किससे छोटा मीटर से, बच्चों जब भी बड़े मात्रक में छोटे मात्रक को पूछा जाता है तो कभी भी उसकी पावर में माइनस नहीं लगता, क्या नहीं लगता, माइनस नहीं लगता। और जब छोटे मात्रक में बड़े मात्रक को पूछा जाता है माइनस लगता है, क्यों लगता है बताएं, क्योंकि बताओ आप अपने पापा के बेटे हो, कभी अपने पापा के पापा बन सकते हो क्या, अपने बाप के बाप बन सकते हो, नहीं बन सकते, कतई हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 यानी 10^3 मीटर होते हैं। बताओ हमको, आप बताओ, अगर हम ये बोल दें कि एक किलोमीटर में एक हज़ार मीटर होता है, ये तो संभव है क्या, ये भी संभव है क्या कि 1 मीटर में कभी कितने किलोमीटर होंगे। अब 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, मीटर तो इतना बड़ा होता है ना, तो 1 मीटर में किलोमीटर संभव नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है संभव भाई, नहीं हो सकता। अभी आपको हम बोल दें कि भैया आपके पास में एक मीटर है, ठीक, 1 मीटर कपड़ा है, ठीक है ना, उसमें से हमको 1 किलोमीटर कपड़ा दे दो, दे पाओगे क्या, कभी नहीं दे पाओगे ना, 1 किलोमीटर कैसे दे पाओगे भैया। आप बोलोगे कि भैया 1 मीटर तो मेरे पास है, इससे कम या इतना मांगिए तो हम दे पाएंगे, लेकिन 1 किलोमीटर मैं ना दे सकता हूँ, ठीक। इसे जब नहीं दे पाओगे क्या करोगे, किसी से, अब हमको देना है आपको, क्योंकि आप मेरे कर्जदार हो, आप किसी और से जाओगे क्या लेने, और कपड़ा लेने, तो किसी और के भी कर्जदार, जब कर्जदार हो गए तो जब कर्जदार के ऊपर क्या लगता है, माइनस लगता है, समझ पाएगा नहीं, इसीलिए इसके पावर में क्या लग जाता है, माइनस।
ये बच्चों मेरे सिखाने का ट्रिक है, अब ये ना तुम समझ लेना कि यही से चलता है, ये मेरा सिखाने का ट्रिक है, समझ गए कि नहीं। ऐसे बच्चों को सिखाता हूँ, लगता किसी और कारण से, क्यों किस कारण से लगता, क्योंकि 1/1000 हो जाता है, और जब ये 1/5 में हो जाता है तो ये ऊपर जाता है बच्चों 10^-3, ये लीगल चीज़ है, ऐसे लगता है, ये बच्चों मेरे सिखाने का ट्रिक है, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ सिखाता हूँ अपने सुपर ट्रिक्स पर, जिससे बच्चे कभी भूले नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से समझो, मीटर बड़ा मात्रक है, कंपेयर किससे कंपेयर करोगे, अगर एंगस्ट्रॉम से कंपेयर करोगे तो मीटर दूरी का बड़ा मात्रक है, ठीक। तो जब बड़ा मात्रक है, बड़े मात्रक में अगर किसी छोटे मात्रक को पूछा जाता है तो उसकी पावर में कभी भी माइनस नहीं लग सकता। तो आप बताओ ये ऑप्शन क्या हो गए, खारिज हो गए। और आप जानते हो एंगस्ट्रॉम में 10^10 ही लगना है, तो या तो माइनस में लगेगा या तो प्लस में लगेगा, ठीक। तो जब बड़े में से छोटे को पूछा गया है तो कभी भी माइनस नहीं लग सकता, समझ गए। मज़ा आया है कि नहीं कमेंट करके बता देना, ठीक। ये सिर्फ एक बहुत चिंदी सा सवाल मैं क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इस तरीके का सवाल, समझ गए कि नहीं। ये क्लास 9th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, आप समझो मैं अगर क्लास 9th में आप मुझसे पढ़ते तो कितना आगे होते फिजिक्स में, आप सोचो जरा। हमको पता है आप लोग इस तरीके के सवाल शायद नहीं लगाए होगे, समझ गए कि नहीं। इस तरीके से घुमा फिरा के फिजिक्स कोई पढ़ाता नहीं होगा, शायद ही कोई पढ़ाता हो, ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक। तो अब समझो बात को, अब जब क्लास 9th की फिजिक्स में आप गलत कर बैठे हो, इसी को तो बेस कहते हैं ना भाई, बेस इसी को कहते हैं, समझ गए कि नहीं। और जब तक ये सारी मजबूत नहीं होगी, आप कैसे सोच कैसे लेते हो हम बहुत बड़ी चीज़ तोड़ देंगे, नहीं हो सकता है ना, बोलो। तो आपको सबसे पहले बेस पे काम करना पड़ेगा, और उसको अपन सिखाएगा, काम कराएगा, आपको करना पड़ेगा, बस हो गया, समझ गए कि नहीं। तो अब जब समझो ये क्लास 9th के बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, आप क्लास आपको नीट और जेई के लिए पढ़ाना है, तो सोचो कितना आगे पढ़ाऊंगा मैं, आप खुद ही सोचो यार, समझ गए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है ना, इसमें बहुत आगे पढ़ाता हूँ, जब इसको पढ़ ले जाओगे तो नीट जेई का सवाल जो भी है बड़े हंसते हुए करके आओगे, बहुत हंसते हुए करके आओगे, समझ गए कि नहीं। क्योंकि इतना लेवल तरीके का सवाल मैं करा देता हूँ घुमा फिरा करके, यार उसकी औकात नहीं आपको फंसा दे यार, अगर फंसा दे फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है, ठीक है ना बच्चों।